पश्चिमी चंपारण जिले के अधिकांश गांवों में जीवन यापन कर रहे लुल्हा लंगड़ा गुंगा बहरा जो विकलांग की श्रेणी में आते हुए भी जानकारी और पहुंच के अभाव में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। प्रखंड गौनाहा के राज बंसी माझी हदीश मियां रघुनी पड़ित समेत दर्जनों विकलांग प्रमाण पत्र और प्रक्रियाओं के उलझन के भंवर में फंसकर वृद्धा पेंशन के लिए उम्र होने की बात जो रहे थे, तो वहीं कई लोग प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते हुए थक चुके थे। जिस समस्या पर एक बरस पूर्व मैंने वीडियो बनाई थी, इस समस्या को अलग तरीके से देखा सीखा और सभी विकलांगों को प्रमाण पत्र और पेंशन दिलाने के लिए मन में ठान ली थी। गरीबी के साथ साथ विकलांग विकलांगता पेंशन ना मिलत रहे, ना मिलत रहे, विकलांग को ना मिलत रहे। तो संजीव बाजी हमारे नाम लिख ली, फोटो खींच ली, ले गई बेटिया, बेटिया से प्रमाण पत्र बना कर नौकरिया गबनाए है। गबनाए से हम जानी जाए कागज लिए नहीं जाए, मिलने के बाद अगर ये हमें पैसा मिल है। कितना पैसा वो मिलल? पैसा मिलल 6,500। तब मैं उनके समस्या पर वीडियो बनाई और गांव के सभी विकलांगों को बुलाकर बैठक कराई, दूसरे पंचायत के विकलांगों को भी मदद की, सभी के विस्तार से बताई और शिविर सर्जन कार्यालय लेकर गई। जो नहीं जा पाए उन्हें शिविर ले जाकर जांच करवाई। 2 माह तक फोन से बात कर जानकारी लेती रही, फिर सभी का विकलांग प्रमाण पत्र मिला। उसके बाद बिना देर किए सभी से बिहार निःसक्ता पेंशन योजना के तहत आवेदन करवाई, तब सभी का खाता खुलवाई, आधार बनवाई और ग्राम सेवक से जानकारी लेने के बाद इन सभी से आधार नंबर और खाता नंबर लेकर ग्राम सेवक को दी। 10 बार फोन से बात करने के बाद इस सभी के खाते में एक बरस का पैसा जोड़कर 5,200 रुपया भेजा गया, जिसमें 2 गांव के 14 लोगों को फायदा हुआ और यह फायदा जीवन भर मिलता रहेगा। मैं तंजली, पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।